एक्सरसाइज नंबर 7.2, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। हमारे पास एक लाइन है जिसके दो पॉइंट कौन कौन से हैं, ए पॉइंट -2, 2 एंड बी पॉइंट 2 एंड 8। ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, कौन कौन से, आप इसे मान लो सी पॉइंट, इसे आप मान लो डी पॉइंट, इसे आप मान लो ई पॉइंट। ये इनकी दूरी क्या है, सिमिलर है, 1 1 1। आप 1 1 मान लो, आप 2 2 मान लो, एज यू विश, बट इनकी जो दूरी है वो क्या है, इक्वल है, 1 1 1। हमने क्या फाइंड करना, हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तीनों पॉइंटों के। तो सबसे पहले हम लेंगे डी पॉइंट, डी पॉइंट की ए से दूरी कितनी है, 2 1 1 2। डी पॉइंट की बी से दूरी कितनी है, 1 1 2। जब डिस्टेंस इक्वल है तो इसका क्या मीनिंग है, ये क्या मिड पॉइंट है ए बी का। मुझे पता है जब मिड पॉइंट हो, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का सिंपल सा मेथड है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। यहाँ पर x1 क्या है, ये है, y1 क्या है, ये है, x2 क्या है, ये है, y2 क्या है, ये है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और डी के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेंगे, क्या आएगा, -2 + 2 / 2 2 + 8 / 2, ये क्या आ जाएगा, 0 0 कैसे आ जाएगा, -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 0 ओवर एनीथिंग क्या होता है, 0 ही होता है। उसके बाद 2 + 8 10 10 ओवर 2 क्या आता है, 5। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0 एंड 5। अब हम निकालेंगे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, सी पॉइंट की दूरी ए से कितनी है, 1 एंड डी से कितनी है, 1। तो सी पॉइंट की दूरी दोनों से क्या सिमिलर है, तो इस पे भी मिड पॉइंट का फॉर्मूला ही लगेगा। जब सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम किसे लेंगे, एक डी पॉइंट को लेंगे, एक ए पॉइंट को लेंगे। यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है, -2, y1 की वैल्यू क्या है, 2, यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है, 0, y2 की वैल्यू क्या है, 5। तो इसमें हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो क्या आएगा, -2 + 0 / 2 2 + 5 / 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, -1, यहाँ पर 7/2। तो ये आगे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो जैसे हमने सी पॉइंट निकाला है वैसे हम निकालेंगे ई पॉइंट। ई की दूरी डी से क्या है, 1 है, ई की दूरी बी से क्या है, 1 है। तो हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है, एक तो डी पॉइंट है, एक है बी पॉइंट। तो ये डी पॉइंट वाले क्या हो जाएंगे, x1 y1, ये क्या हो जाएगा, x2 y2, बी पॉइंट वाले। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ई, 0 + 2 / 2 5 + 8 / 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 / 2 क्या आ जाएगा, 1, 5 + 8 क्या हो जाएगा, 13/2। यही हमने फाइंड करना था इस क्वेश्चन में।